नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इनके जिक्रिय संस पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, पथरी की दिक्कत हो तो टमाटर, पालक और बैंगन का सेवन ना करें। नंबर दो, महीने में एक बार मिक्सी में नमक डालकर चलाने से ब्लेड शार्प रहते हैं। नंबर तीन, गर्भावस्था में केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा होता है, साथ ही महिला के चेहरे पर भी निखार आता है। नंबर चार, खाना खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, हमेशा ध्यान रखें, खाना खाने से पहले ही नहाना चाहिए। नंबर पाँच, चावल का पानी रेगुलर चेहरे पर लगाने से मुहासे, चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे और स्किन चमकदार और मुलायम हो जाती है। नंबर छः, केले का नियमित सेवन करने से अनिद्रा, कब्ज, पेशाब की जलन दूर करने के साथ साथ शरीर की कमजोरी को भी दूर किया जा सकता है। नंबर सात, सफर के लिए सब्जी बनाते समय, मसाला भूनते समय थोड़ा सा सिरका डाल दे, इससे सब्जी का स्वाद तो बढ़ेगा ही, जल्द ही सब्जी खराब नहीं होगी। नंबर आठ, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है, रोजाना गुड़ का किसी न किसी रूप में प्रयोग जरूर करना चाहिए। नंबर नौ, कमर दर्द से राहत पाने के लिए सौंठ के पाउडर को गर्म पानी के साथ खाएं, इससे कमर दर्द में फायदा मिलता है। नंबर दस, चेहरे पर निखार लाने के लिए तुलसी की पत्तियों को गुलाब जल में 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रखें और इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर मिक्स करके चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे पर निखार आ जाएगा। नंबर ग्यारह, स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, नींद इतनी कम भी ना हो कि आलस आने लगे और मोटापे का कारण बने, आपको 6 से 8 घंटे की नींद रोजाना लेनी चाहिए। नंबर 12, केला को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, खाली पेट केला खाने से शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा में असंतुलन बन जाता है। नंबर 13, ज्यादा चाय पीने से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। नंबर 14, कलौंजी का पानी सर पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर 15, रोजाना अपने चेहरे पर दही लगाएं, इससे आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी और चेहरा चमकदार बनेगा। नंबर 16, भोजन करने के बाद हमें दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए, ताकि वहां पर चिपके हुए भोजन के अंश निकल जाएं और इससे दांतों में कीड़ा भी नहीं लगता है और हमेशा दांत साफ और सुथरे रहते हैं। नंबर 17, रोजाना नहाने से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 18, पेट में कब्ज और गैस वगैरह के लिए गन्ने का रस फायदेमंद होता है। नंबर 19, ज्यादा गुस्सा करना दिल को कमजोर करता है। नंबर 20, फटे ओठों पर करेले का रस लगाने से होंठ ठीक हो जाते हैं। नंबर 21, प्याज का रस पीने से पेट साफ होता है। नंबर 22, कोई भी वजन वाली चीज उठाने से पहले नींबू वाला पानी पिया करें। नंबर 23, पेट की गैस को दूर करने के लिए पुदीने का सेवन करें। नंबर 24, ज्यादा थूकना शरीर में पानी की कमी लाता है। नंबर 25, सोने से पहले बालों में कंघी करने से बाल गिरने से रुक जाते हैं। नंबर 26, जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर दें उनकी याददाश्त तेज होती है। नंबर 27, देसी घी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर ताकतवर बनता है। नंबर 28, चाय के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। नंबर 29, दूध और केला एक साथ सेवन करने से पेट खराब हो सकता है। नंबर 30, यदि आप मखाने के 4 दाने रोज खाते हैं तो इससे आपके शुगर को हमेशा के लिए खत्म करने में मदद मिलती है, साथ ही इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जिससे हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद मिलती है। नंबर 31, मेथी के पत्तों का साग खाने से भूख बढ़ती है। नंबर 32, काली मिर्च पानी के साथ खाने से इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है। नंबर 33, खाना खाते वक्त किसी चीज के बारे में ज्यादा ना सोचें,
गुस्से में भी कभी भी भोजन ना करें और खाना खाने से पहले अपने आप को शांत करें फिर भोजन करें। नंबर 34, यदि आप रोजाना सुबह तुलसी की एक या दो पत्ती चबाकर खा लेते हैं तो इस मौसम में होने वाले रोगों की वजह से आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। नंबर 35, रात के भोजन के बाद कुछ कदम जरूर चलें। नंबर 36, अपने खाने में फाइबर की मात्रा सही सही रखें। नंबर 37, किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित रूप से तरबूज का सेवन करें। नंबर 38, सौंठ के को बहुत महीन पीसकर बकरी के शुद्ध दूध में मिलाकर नाक से बार बार खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 39, गुलाब जल का इस्तेमाल होठों को मुलायम और निखरी त्वचा के लिए किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो होठों को चमकदार बनाते हैं, इसलिए रोजाना रात को सोने से पहले होठों में इसे लगा सकते हैं। नंबर 40, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टरों द्वारा भी देसी घी का सेवन करने की सलाह दी जाती है और जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उनके लिए भी देसी घी रामबाण इलाज है। नंबर 41, कई लोगों को भोजन करने के बाद चाय या कॉफी लेने की आदत होती है, लेकिन यह करना गलत है। इसके बजाय भोजन करने के बाद नींबू पानी या लस्सी पी जा सकती है, इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। नंबर 42, यदि भूख नहीं लगती हो तो जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए, इसके बजाय फलों का सेवन किया जा सकता है। नंबर 43, कच्चा दूध और ग्लिसरीन दोनों ही स्किन की नमी को लॉक करने और मॉइस्चराइजर मेंटेन रखने में मदद करता है। इसके लिए आप एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध लें और उसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन डालकर अच्छी तरह से मिला लें। आप साफ चेहरे पर इसे अच्छी तरह से लगाएं और आधे घंटे के बाद चेहरे को पानी से धो लें। नंबर 44, जिस जगह पर चींटियां नजर आए वहां नींबू निचोड़ दें या फिर नींबू के छिलके रख दें। आप पोछा लगाते समय पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं, जिससे कि फर्श पर नींबू की महक से चींटियां आने से घबराए। कड़वी और खट्टी चीजें चींटियों को दूर रखती है। नंबर 45, यदि आपको एलर्जी की समस्या है तो नीम की पत्तियों को 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें, फिर पीस लें, फिर इसके पेस्ट को त्वचा पर लगाएं। नीम की पत्तियां एंटीबैक्टीरियल होती हैं, जो किसी भी त्वचा संबंधित बीमारी को दूर कर सकती हैं। इसके पेस्ट को 30 मिनट त्वचा पर लगाकर छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।